डियर स्टूडेंट, आज मैं डिस्कस करूंगी कि सिंपल कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला निकालने के लिए हमको दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, या तो एटम की वैलेंसी फर्स्ट एंड सेकंड, उस पर एटम पर कितना चार्ज है। हम इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड, यहाँ पर हाइड्रोजन का सिंबल है। सबसे पहले किसी भी का फॉर्मूला निकलने के लिए उसके नीचे हम सिंबल लिख देते हैं। हाइड्रोजन का सिंबल होता है एच, क्लोराइड का सिंबल होता है Cl। अब इसके नीचे इसकी वैलेंसी लिखी जाती है। वैलेंसी हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी एच की भी वैलेंसी हो गई 1, Cl की वैलेंसी हो गई 1, तो इसको लिखा जाता है HCl। 1 से 1 कट हो जाता ना। सेकंड है हाइड्रोजन सल्फाइड। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, एटम का सिंबल लिखा जाता है। हाइड्रोजन का सिंबल होगा एच, सल्फाइड का सिंबल होगा एस। अब इसके नीचे इसकी वैलेंसी लिखी जाती है। वैलेंसी हाइड्रोजन की वैलेंसी होगी 1, सल्फर की वैलेंसी होती है 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच टू एस, दिस फॉर्मूला इज। थर्ड इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। सिंबल कार्बन का सिंबल है सी और क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। कार्बन की वैलेंसी इज 4 एंड क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है 1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला अपना क्या बनता है, CCl4। नेक्स्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम का सिंबल है Mg और क्लोराइड का सिंबल होता है Cl। इसके नीचे इसकी मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Mg 1 को हम जनरली लिखते नहीं है और Cl को 2। ओके, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का सिंबल है Al, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। अब यहाँ पर या तो इनका चार्ज लिख दो या इनकी वैलेंसी है, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी भी होती है 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो Al2O3। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का सिंबल है Ca। ऑक्साइड को ऑक्सीजन से डिनोट किया जाता है एंड कैल्शियम पर होता है +2 चार्ज, चार्ज भी लिख सकते हैं। ऑक्सीजन पर होता है -2 चार्ज, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो कैल्शियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड। सोडियम का सिंबल Na, ऑक्साइड इज ऑक्सीजन। अब यहाँ पर इसका वैलेंसी लिखा जाएगा या चार्ज लिख सकते हो, कोई कुछ भी बोलोगे, बात एक ही है। इसकी होता है, इसका चार्ज होगा 1, ऑक्साइड का चार्ज होता है 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Na2O। एल्यूमिनियम क्लोराइड सिंबल है एल्यूमिनियम का Al, क्लोराइड का Cl। एल्यूमिनियम पर चार्ज होता है +3, क्लोराइड पर होता है -1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AlCl3, इसका फॉर्मूला होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड का। नेक्स्ट है सोडियम सल्फेट। सोडियम का सिंबल है Na, सल्फेट का सिंबल है SO4, ठीक है। अब सोडियम पर चार्ज होता है +1, सल्फेट पर होता है -2। चार्ज को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Na2SO4। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, हाइड्रोक्साइड का होता है OH। मैग्नीशियम पर होता है +2 चार्ज, ऑक्सीजन पर होता है -1 चार्ज। क्रॉस मल्टीप्लाई Mg OH। एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम का सिंबल है एल्यूमिनियम, Al,
सल्फेट का SO4, एल्यूमिनियम पर चार्ज होता है +3, सल्फेट पर चार्ज होता है -2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Al2SO4 3। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का सिंबल होता है Na, कार्बोनेट होता है CO3। सोडियम पर चार्ज होता है +1, कार्बोनेट पर होता है -2। क्रॉस मल्टीप्लाई Na2CO3। थैंक यू।